Hello aspirants, this is Ahir and welcome you back to SSB Crack Exams, your one-stop destination for all defense related examinations. You name it, we have it. A very pleasant good morning to each and every one of you. Sabhi ko jai hind bachao. फटाफट से जुड़ जाओ, बाकी के स्टूडेंट्स के साथ भी लिंक शेयर करो. ओके, रोशन कुमार, ऋषिकेश मिश्रा, सचिन, निखिल राघव, अदिति पांडे, अर्णव गौतम, किंशुक सहानी, तृप्ति शुक्ला, सत्यम सिंह, गीता, आयुष सिंह, शैली कुमारी, ओके, पूरण चंद्र चौधरी, अर्णव गौतम, स्मृति. ओके बच्चों, जय हिंद आप सभी को. ठीक है, अभिषा चौधरी, जय हिंद. जुड़ जाओ बच्चों. तो आज 16 जुलाई जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स और अपडेट्स हैं, सभी को कवर करने की कोशिश करते हैं. तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएसबी क्रैक एग्जाम इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन पोर्टल फॉर डिफेंस रिलेटेड एग्जामिनेशन. वी प्रोवाइड यू विद वीडियो लेक्चर, जबरदस्त कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ होते हैं. डेली करंट अफेयर्स, डिफेंस अपडेट्स, लाइव क्लास आपको देखने को मिल जाएंगी. स्टडी प्लान्स और स्टडी नोट्स बहुत ही क्रिस्प और क्लियर होते हैं. अपडेटेड हमारा सिलेबस होता है. जो कोई भी रिक्रूटिंग एजेंसी है उसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न, सिलेबस पैटर्न को फॉलो करके सब कुछ बनाया जाता है. मॉक टेस्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है. तो रैंक एनालिसिस हम ही बता देंगे कि वेयर आर यू एक्चुअली स्टैंडिंग. और आपको इन सभी का ऑफलाइन एक्सेस भी मिल जाएगा. डाउनलोड कीजिएगा एसएसबी क्रैक एग्जाम्स ई लर्निंग ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो दिस ऑल द कोर्सेस, एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा. और भी कई कोर्सेस है बच्चों, आपको आप डाउनलोड जरूर कीजिएगा. और एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड भी फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है. हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं. अगर आप बंडल नहीं लेना चाहते, टेस्ट सीरीज जरूर लें. जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सिलेक्शन होने के चांसेस आपके ज्यादा हो जाएंगे और सब्जेक्ट का रिविजन भी हो जाएगा. एंड लेक्चर का पीडीएफ सबसे पहला ऐप में ही मिल जाएगा. जब आप ऐप डाउनलोड करके कोई कोर्स या बंडल खरीदोगे, देयर यू विल फाइंड डेली करंट अफेयर्स एंड डिफेंस अपडेट्स. दूसरा, हमारे वेबसाइट ssbcrackexams.com से भी आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो. एंड वॉरियर 10 इज अ कोड विच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट. ओके, शैल वी बिगिन? हाउस द जोश, कितने बच्चे जिंदा है? जिंदा है तो हरकत करो क्विक. फायर वाली मुझे लगाओ, फायर हो, फ्लावर हो, जो कुछ भी हो. तलवारें भी लगा रहे हो, गुड. ओके, सो लेट अस बिगिन. बाकी के बच्चे भी इन टाइम जुड़ते रहेंगे, जुड़ जाएंगे. ठीक है, सो रहे होंगे इतनी सुबह सुबह. ठीक है, कोई बात नहीं. सो लेट अस बिगिन. अगर आपको सेशन पसंद आए, लाइक और शेयर जरूर कर देना. चैनल पर नए हो, डू सब्सक्राइब एंड स्प्रेड द वर्ड अबाउट एसएसबी क्रैक एग्जाम्स. ओके, क्वेश्चन ऑफ द डे हमने पूछा था, बहुत ही आसान था. यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट, जो ये कह रहा था कि कंजर्वेटिवली जो यूथ का पॉपुलेशन है इज टू द टोटल पॉपुलेशन इंडिया में, वो घटने वाला है. यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड अब हमें इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है. 2036 तक ही है, जो कुछ भी करना है इसके अंदर ही करना है. इसके बाद आहिस्ता से इंडियन एज भी स्टार्ट हो जाएगी एजिंग. इंडियन सॉरी इंडियन पॉपुलेशन विल ऑल्सो स्टार्ट एजिंग. सो ये कहने वाला कौन था? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक. गुड, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन. So the correct answer is B. Moving towards the very first important update, कल धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने NIRF की rankings रिलीज की हुई बच्चों, National Institute Ranking Framework. पूरे देश भर में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उन सभी को रैंक के वाइज दिया rankings दिए जाते हैं बच्चों. ठीक है, अलग अलग categories में, best institution, best college, best university, best engineering college वगैरह. तो IIT मद्रास इस बार आई थिंक कंटिन्यूसली पिछले 4 सालों से भी IIT मद्रास ही आ रहा है बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. ओवरऑल कैटेगरी में बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में IIT मद्रास हैज स्टूड एट द टॉप लिस्ट, फॉलोड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु. बेंगलुरु में नहीं, दरअसल बेस्ट यूनिवर्सिटी है. ओके, सॉरी, ओवरऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में IIT मद्रास है. बेस्ट यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में IISc बेंगलुरु आया हुआ है बच्चों. और बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद आया हुआ है, फॉलोड बाय IIM बैंगलोर एंड IIM कोलकाता. सो दीज आर द रैंकिंग्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली को दिया गया है. और खासकर इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर हम बात करें तो अगेन यहां पर भी IIT मद्रास ने ही टॉप किया हुआ है. और फार्मेसी इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट जामिया हमदर्द को माना जाता है, ये भी दिल्ली में ही है बच्चों. और बेस्ट कॉलेज की अगर हम बात करें, जहां पर ज्यादातर आर्ट्स वगैरह दिए जाते हैं, तो मिरंडा हाउस और फॉलोड बाय द हिंदू कॉलेज दिल्ली, दोनों ही दिल्ली में है. तो इन दोनों को बेस्ट कॉलेज के खिताब से नवाजा गया है. ये बहुत ही अच्छे हैं बच्चों. हमारे टाइम फ्रेम में इस तरीके के रैंकिंग्स नहीं हुआ करते थे.
दो चीजें होती थी, एक अक्रीडेशन, एक ही होता था अक्रीडेशन, लेकिन एज ऑफ नाउ अक्रीडेशन और रैंकिंग दोनों है। मैं आपको छोटा सा फर्क बता देता हूँ बच्चों, रैंकिंग ईयरली वाइज होता है, ठीक है, हर साल रैंकिंग्स आते हैं और रैंकिंग्स जो है ना वो बाकी के इंस्टीट्यूशंस के साथ कंपेयर भी किया जाता है। लेकिन अक्रीडेशन क्या होता है, अक्रीडेशन इज ऑल्सो काइंड ऑफ नॉट रैंकिंग बट ग्रेडिंग। हर 5 साल में एक बार यूजीसी अक्रीडेशन वगैरह प्रोवाइड करता है, A+, A++ या फिर B+, इस तरीके के अक्रीडेशन मिलते हैं। तो लेकिन यहाँ पर फर्क इतना है कि रैंकिंग में जब एक इंस्टीट्यूट को बाकी के इंस्टीट्यूट के साथ कंपेयर किया जाता है, लेकिन अक्रीडेशन में ऐसा नहीं होता। बस उसी एक इंस्टीट्यूशन को उसके पीछे प्रोग्रेस और अभी जो वो प्रोग्रेस उसने किया उसके रिलेटेड कंपेयर करके अक्रीडेशन दिया जाता है बच्चों। तो दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये होलसम है, 5 साल में एक बार कितना भारी भरकम काम हुआ है इसके बारे में बताता है। और रैंकिंग जो है वो बहुत ही डायनामिक होते हैं, हर साल ये चेंज होते ही रहते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी यही कहा कि जब हम ये दोनों रैंकिंग्स और अक्रीडेशन भी दे रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा एम्फोसिस रख रहे हैं इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पर, कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इनोवेटिव हो, जो यहाँ से निकले, और एंटरप्रेन्योरशिप जो है उनके अंदर ऑलरेडी इम्बाइब हो। तो ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज फार एज नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क एंड नेशनल असेसमेंट अक्रीडेशन काउंसिल नैक के सर्टिफिकेट जो है ना, दीज बोथ आर कंसर्न। तो ये एक अच्छा काम है बच्चों, विच हैज बीन कंसिस्टेंटली हैपनिंग। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, आप सभी को भी पता है कि रिसेंटली केरला के तिरुवनंतपुरम में पहला केस जो है मंकी पॉक्स का वो रिपोर्ट किया गया था बच्चों। 35 इयर्स का कोल्लम का नेटिव है वो, तो दुबई से नहीं, यूएई से आया हुआ था वो। तो इमीडिएटली यहाँ पर जैसा वो लैंड हुआ उसकी तबियत बिगड़ गई और जब टेस्ट वगैरह किए तो यस, इट वॉज कन्फर्म कि उसे मंकी पॉक्स है। तो इमीडिएटली केरला में भी फुल फ्लेश्ड यू नो जो कोई भी उसके आदमी के आसपास थे उन सभी को भी आइसोलेट किया गया है, और सेंटर भी मल्टीडिसिप्लिनरी टीम जो है ना बच्चों उन्होंने भेजा हुआ है रशिया को कंटिन्यूअसली। सेंटर और स्टेट के हेल्थ यू नो डिपार्टमेंट से रिलेटेड ऑफिशियल्स कंटिन्यूअसली एक दूसरे के साथ टच में है, और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इससे रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस भी रिलीज किए हुए हैं कि इंटरनेशनल पैसेंजर जो है वो जो कोई भी सिक पीपल खासकर फ्लाइट्स में हो या फिर अब्रॉड जब वो जाएं तो उनसे दूर रहें, अगेन 6 फीट की डिस्टेंस वगैरह फॉलो करें, ये सभी चीजों के बारे में एक गाइडलाइंस जो है वो रिलीज की गई है बच्चों। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट यू नो अपडेट भी दरअसल इसी से जुड़ा हुआ है। अगर आपको याद हो तो पिछले महीने 23 जून को मैंने बताया हुआ था कि एक इमरजेंसी कमिटी की मीटिंग रखी गई थी WHO की, खासकर मंकी पॉक्स के लिए। तो फिर से WHO को लग रहा है कि वो काफी नहीं था, क्योंकि 23 जून को जो मीटिंग हुई थी इमरजेंसी की, वहां पर ये डिस्कस किया गया था कि अभी इसे वर्ल्ड ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की तरह अनाउंस नहीं करते हैं, क्योंकि चंद ही केसेस आए हुए हैं, बेल्जियम में आया हुआ था बच्चों उस वक्त केस, अगर आपको याद हो तो आहिस्ता से ना केसेस स्लोली बढ़ रहे थे, तो उन्हें लगा हुआ था कि अभी से ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की तरह अनाउंस नहीं करते हैं। लेकिन अगेन अब जो कि हर कंट्री से ऑलमोस्ट ऑल आहिस्ता से ना केसेस बढ़ रहे हैं, तो यूएन एजेंसीज को भी अलग, यूएन के हेल्थ एजेंसी जो कि WHO है, लगभग 9200 केसेस जो 63 अलग अलग कंट्रीज से आए हुए हैं वो ऑलरेडी रिकॉर्ड किए गए हैं। 9200 केसेस, ये बहुत ही भारी भरकम है बच्चों। जब जून में हमने बात किया हुआ था तो माइनर थे 50 या 60 केसेस ही थे, या लगभग और एक 60 या 50 वेटिंग में थे, ऑन एन एवरेज 100-120 ही थे, तो अब वो नंबर बढ़ के 9200 हो चुका हुआ है। तो 21 जुलाई को फिर से जो है ये मीटिंग रखी जाएगी कमिटी की, और वहां पर डिस्कस किया जाएगा कि मंकी पॉक्स को हेल्थ इमरजेंसी की तरह अनाउंस करेंगे या फिर नहीं। देखिए पैंडेमिक नहीं, पैंडेमिक जो कोविड को अनाउंस किया गया था दैट इज टोटली डिफरेंट, लेकिन जब हेल्थ इमरजेंसी की तरह अनाउंस किया जाता है तो पूरे कंट्रीज को WHO गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से सरकारों को काम करना चाहिए, इमीडिएटली यू नो सर्च करके आइडेंटिफाई करके उन लोगों को आइसोलेट किया जा सकता है। तो बहुत ही भारी भरकम सा सर्ज रिसेंटली हमें मंकी पॉक्स के इन्फेक्शन में देखने को मिला हुआ है। पहले तो सिर्फ वेस्ट और सेंट्रल एशियन कंट्रीज में था, लेकिन अब आहिस्ता से फैल रहा है। इंडिया में भी केरला में पहला रिपोर्ट जो दर्ज किया गया था, तो दिस इज एक्चुअली फ्राइटनिंग। देखिए ऐसा थ्रेटफुल नहीं है ये डिसीज दरअसल कि इंसान की जान जाएगी, लेकिन हाँ प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा होगा, सिक पड़ जाएंगे आप, हेवी फीवर वगैरह होगा, बॉडी पूरा रैशस हो जाएंगे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इम्यूनिटी सिस्टम आपका थोड़ा बहुत वीक है तो यस डेथ भी आपको आ सकती है। तो दिस इज वन सच रीजन WHO वाले बहुत ही सीरियस है इन कंसर्न्स को लेकर। ओके, मूविंग अहेड, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भी मेडिसिन से ही रिलेटेड है बच्चों। दरअसल कल भारत सरकार ने गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट से रिलीज किए हुए थे, और खासकर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी वालों ने
ई कॉमर्स वेबसाइट जो है ना बच्चों, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, फ्लिपकार्ट वगैरह पे तो कम, लेकिन सेपरेटली मेडिसिन बेचने के लिए भी सेपरेट ई कॉमर्स वेबसाइट्स ओपन किए गए हैं बच्चों। तो वहां पर ये ताकीद की गई कि आप ऑनलाइन जब तक पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन ना दें, आप मेडिसिन जो है खासकर आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग्स के जो मेडिसिन हैं वो आप डिस्पैच मत कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी इस तरीके के वार्निंग्स 2006 में ही मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वालों ने दिए हुए थे कि आयुर्वेदा यूनानी सिद्धा वगैरह जो हमारे इंडियन सिस्टम्स हैं ये अच्छे हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी एक्सपर्ट के, किसी ना किसी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर जो कि ऑलरेडी जिसने आयुर्वेदा वगैरह में जो पढ़ाई की हुई हो उसके गाइडलाइंस पर ये करें तो बेहतर होगा, वरना आप एडवर्सली इफेक्ट हो सकते हैं, हार्म हो सकते हैं। ऑनलाइन कुछ पढ़ना, आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है आयुर्वेदा का उसे मंगवा के खाना, इट इज रियली रॉन्ग। तो ई कॉमर्स वेबसाइट को भी ये ताकीद दी गई कि जब तक वैलिड प्रिस्क्रिप्शन आपको ना मिले तो आप बिल्कुल भी आयुर्वेदा युद्धा सिनानी यूनानी और सिद्धा से रिलेटेड जो मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं वो लोगों को शिप ना करें, दिस इज वॉट द थिंग इज, ठीक है। हाँ बच्चों, ये मंकी पॉक्स जो है ना वो ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से आप कोविड की तरह ट्रांसमिट हो सकता है मंकी पॉक्स, फिर भी देर आर सीरियस थ्रेट्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यस चिकन पॉक्स का ही एक ये है बच्चों, वो वेरिएंट चिकन पॉक्स नहीं कहूंगा, सेम सिमिलर टाइप, जब चिकन पॉक्स होते हैं तब भी बॉडी पूरा रैशेस हमें देखने को मिलते हैं। गुड, वैक्सीन बनाया जा रहा है अभी, ठीक है। देखो लाइफ जो कि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है तो इस पर ज्यादातर इन्होंने कंसंट्रेशन नहीं दिया, लेकिन अब वायरल हो रहा है ये भी, टिकटॉक की कंटेंट की तरह फैल रहा है, तो दिस इज वन सच रीजन। ओके गुड, सो दिस इज व्हाट दे हैड सेड कि अब आप खुले तौर पर मत बेचो, अगर प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो प्रोडक्ट्स मत दो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रिक्स कंट्रीज का लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही थी बच्चों, ठीक है, वर्चुअली चल रही थी ये भी, तो जहां बैठे वहीं से ही ब्रिक्स कंट्रीज के जो लेबर मिनिस्टर्स हैं वो बात कर रहे थे एक दूसरे से, यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं। तो भूपेंद्र यादव जी यहाँ से रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दिया हुआ था, तो तीन प्रायोरिटी इश्यूज के बारे में यहाँ पर डिस्कशन ज्यादातर किए हुए थे। हाउ टू प्रमोट ग्रीन जॉब्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखिए ग्रीन जॉब्स का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ नया कार्डर हमने बनाया हुआ है, आप जो अब देखिए मान लेते हैं कि एक सिविल इंजीनियर है, अब उसका काम है कंस्ट्रक्शन का, अगर वो कंस्ट्रक्शन के काम को इको फ्रेंडली बनाता है, सस्टेनेबल वो बनाता है, या फिर वो काम ही एक ऐसी चीज पर कर रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वहां पर हो रहा है, तो उसे ग्रीन जॉब की तरह माना जाएगा बच्चों। तो इस तरीके के काम को किस तरीके से हमारे कंट्रीज में पुश दे सकते हैं, खासकर स्किल्स को डेवलप करने के लिए और रेसिलियंट रिकवरी। देखिए इंडिया कोविड की मार वैसे तो हर कंट्री पे पड़ी, लेकिन इंडिया जैसे इकोनॉमिस्ट इमीडिएटली उन्होंने पेस को ग्रैब किया हुआ था, क्यों, क्योंकि हम बहुत ही रेसिलियंट है, ठीक है, जितना हमें मारोगे हम उतना ही बाउंस बैक करेंगे। तो रेसिलियंट रिकवरी के लिए जो कुछ भी इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं वो स्किल्स को हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, और वर्कर के राइट्स को किस तरीके से हम न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट में प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो पूरा हाइब्रिड तरीके से ही काम चल रहा है, ऑनलाइन वगैरह, फ्रीलांसिंग, गिग इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन किए गए थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट भूपेंद्र यादव जी ने यह भी हाईलाइट किया कि क्या कुछ इनिशिएटिव्स इंडिया ने लिए हुए थे रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, कोविड के टाइम फ्री राशन हमने दिया हुआ था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, और मनरेगा के अंडर भी हमने नंबर ऑफ डेज जो 100 थे उसे और थोड़ा एनहेंस किया हुआ था, उत्तराखंड जैसे स्टेट्स ने तो इसे 150 दिन भी बनाए हुए थे, और पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को कोलैटरल गारंटी फ्री हमने लोन्स वगैरह भी प्रोवाइड किए गए थे। तो पैंडेमिक में बहुत ही सपोर्ट हमने अपने लेबर एंड वर्किंग क्लास को दिया हुआ है। आर यू देयर, क्या चल रहा है बच्चों? पता नहीं अपने आप में ही बिजी हो कुछ। ओके गुड, कल ही हुई थी बच्चों, ठीक है। ओके
नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट इज, अच्छा ब्रिक्स हो गया, अब बिम्स्टेक के बारे में हम बात करेंगे। दो दिन की मीटिंग चल रही है बच्चों दिल्ली में, ये भी कल स्टार्ट हुआ है। बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप ऑन साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन, खासकर साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट हमेशा 21वीं सदी में बहुत ही प्रोमिनेंट लगा हुआ है बच्चों। तो यहाँ पर बिम्स्टेक नेशंस के जो सिक्योरिटी चीफ्स हैं उन्होंने एक मीटिंग रखी हुई थी बैंकॉक में इन मार्च 2019। तो वहां पर उन्होंने डिस्कशन किया हुआ था कि यू नो इस तरीके का एक कॉन्फ्रेंस हमें रखना है, एक एक्सपर्ट कमिटी की ग्रुप हमें बिठा करना, वहां पर डिस्कस करना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हम क्या क्या काम करेंगे। तो दरअसल इंडिया ने वो इनिशिएटिव लिया हुआ है बच्चों, और इन सभी बिम्स्टेक कंट्रीज को हमने इनवाइट किया हुआ है। तो एज ऑफ नाउ दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस चल रही है, दो दिन की मीट। तो बिम्स्टेक कंट्रीज के जो कोई भी इंपॉर्टेंट है नेशनल साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हाई ऑफिशियल्स, वो सभी यहां पर आए हुए हैं। और यहाँ पर हमारे इंडिया के नेशनल साइबर सिक्योरिटी के कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत जी, यहाँ पर आप उनकी इमेज देख सकते हैं, तो वो जो है इस मीटिंग को चेयर करेंगे बच्चों। तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका, थाईलैंड के सभी जो अपने अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साइबर सिक्योरिटी से जो रिलेट करते हैं वो सभी यहाँ पर आए हुए हैं। डिस्कशन सभी चल रहे हैं बच्चों कि साइबर सिक्योरिटी का इश्यू किस तरीके से डील कर सकते हैं, और अगर इंसिडेंट्स हो भी जाते हैं साइबर सिक्योरिटी ब्रीच वगैरह के, तो उसका रिस्पॉन्स हम किस तरीके से देंगे, उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। और इंडिया ने इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है बच्चों कि ये मीटिंग वही कन्वीन कर रहा है। ओके, एंड गोइंग टुवर्ड्स नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, मिशन शक्ति स्कीम, ये ऑलरेडी लॉन्च किया गया था बच्चों पिछले ही साल। दरअसल मिशन शक्ति, मिशन वत्सल्य, मिशन पोषण 2.0 वगैरह, ये सभी एक ही स्ट्रेच में लॉन्च किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत, लेकिन उससे रिलेटेड गाइडलाइंस आहिस्ता से वो रिलीज करते शुरू हुए थे। और रिसेंटली हमने मिशन वत्सल्य के अंडर गाइडलाइंस रिलीज किए हुए थे भारत सरकार ने, तो अब मिशन शक्ति के तहत गाइडलाइंस रिलीज किए गए बच्चों। तो किस लिए ये मिशन को लॉन्च किया गया था, मिशन शक्ति स्कीम के लिए, खासकर सेफ्टी, सिक्योरिटी और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन से रिलेटेड ही है, ठीक है, सेफ्टी सिक्योरिटी और वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। तो गवर्नमेंट का कमिटमेंट जो कुछ भी है कि हम वुमेन लेड डेवलपमेंट करेंगे, वुमेन को नेशन बिल्डिंग में इक्वल पार्टनर्स बनाएंगे, उससे रिलेटेड जो है फुलफिल करने के लिए प्रोमिसेस ये मिशन शक्ति बनाया गया है बच्चों। अगेन इसके अंदर दो सब स्कीम्स है, मैं आपको उसके तहत भी बताऊंगा। तो इसका की ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि केयर, सपोर्ट और असिस्टेंट प्रोवाइड करना वुमेन के लिए, क्वालिटी मैकेनिज्म रखना ताकि उनका रेस्क्यू, प्रोटेक्शन और रिहैबिलिटेशन होगा हो सके अगर वो विक्टिम ऑफ क्राइम एंड प्रोटेक्शन वायलेंस हो। कई बार हम देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह के केसेस भी होते हैं, हमने ऑलरेडी वन स्टॉप सेंटर्स, सखी सेंटर्स भी हमने एस्टेब्लिश किए हुए हैं ताकि वुमेन्स को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आए तो वहां पर वो जाकर इमीडिएटली कंसल्ट हो सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सरकारी स्कीमों की एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ सके, वुमेन को पता तो चल सके कि कौन से स्कीम्स हैं। देखिए ऐसे कई स्कीम्स हैं, उज्ज्वला स्कीम है, स्वाधार गृह स्कीम है, प्रधानमंत्री मातृत्व प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, तो ऐसे कई स्कीम्स हैं जिनके बारे में बहुत ही कम अवेयरनेस लोगों के बीच है, तो वो एक्सेसिबिलिटी को भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इस मिशन शक्ति के तहत दो सब स्कीम्स काम करते हैं बच्चों, एक संभाल और दूसरा समर्थ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिशन शक्ति, अगेन मिशन शक्ति संभाल और मिशन शक्ति समर्थ्य। अगर संभाल जो है ना वो स्ट्रेस करता है सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ वुमेन पर, तो समर्थ्य उन्हें एम्पावर करने की कोशिश करता है, एक उन्हें बचाने की कोशिश करता है, एक उन्हें पुश करने की, एम्पावर करने की कोशिश करता है। तो इसके अंडर अगर हम कॉम्पोनेंट्स देखें तो संभाल स्कीम के तहत वन स्टॉप सेंटर्स, वुमेन हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालत वगैरह, ऐसी चीजें हमने संभाल सब स्कीम्स के अंडर रखी हुई हैं। और समर्थ सब स्कीम के अंडर हमने उज्ज्वला स्कीम, स्वाधार गृह, वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल वगैरह, जो उन्हें और पुश करते हैं आगे जाने के लिए, ऐसी स्कीम्स हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नेशनल क्रिश स्कीम, या फिर इसे नेशनल डे केयर स्कीम फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर भी ऑलरेडी स्कीम है, और अपार्ट फ्रॉम दैट प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये दोनों भी जो है वो समर्थ स्कीम के अंडर इंक्लूड किए गए हैं। सो दिस इज समथिंग अबाउट मिशन शक्ति। ओके, एंड नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट, ये हाल ही में ही हमने देखा हुआ था कि साउथ कोरिया के चांगवान में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन का वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वहां पर एज ऑफ नाउ इंडिया जो है वो मेडल टैली में टॉप कर रहा है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो लगभग पूरे 8 मेडल्स हमारे पास हैं, उसमें से 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1
ब्रॉन्ज मेडल हमने जीता हुआ है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है कोरिया, खुद कोरिया और सर्बिया जो इस साल होस्ट हैं, तो वो दोनों को भी हमने पीछे छोड़ के आगे गए हुए हैं, ठीक है। कोरिया के पास सिर्फ 4 है, सर्बिया के पास सिर्फ 3 ही मेडल्स हैं। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। ओके, आर यू देयर? सो दैट वाज द लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। बच्चों रिव्यू क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। बिम्स्टेक वॉज फाउंडेड इन, बिम्स्टेक का हिस्सा है ना बच्चों श्रीलंका, बिम्स्टेक वॉज फाउंडेड इन, कई बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया। क्विक, द रिटर्न विच वी आस्क फ्रॉम इज लव एंड सपोर्ट। एब्सोल्युटली राइट, बिम्स्टेक वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1997, नॉट 98, ठीक है, 97 है बच्चों। किस डिक्लेरेशन के तहत फॉर्म किया गया था? Absolutely right. The correct answer is Bangkok Declaration. Good. Which of the following is not a principle of BIMSTEC? देखिए टेरिटोरियल इंटीग्रिटी तो हर सॉवरेन कंट्री का एक अधिकार है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी तो प्रिंसिपल है ही है, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस भी है, कोई एक दूसरे का बैक स्क्रैच नहीं करेगा, इंटरनल अफेयर्स में हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, म्यूचुअल एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है बच्चों, हम कॉलोनियल माइंडसेट के नहीं है कि हम एक्सप्लॉयट करें एक दूसरे कंट्रीज को, म्यूचुअल बेनिफिट है, वो एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को बर्बाद नहीं करेंगे। फिफ्थ बिम्स्टेक समिट किसने होस्ट किया हुआ था? इंडिया ने किया था क्या बच्चों? ब्रिक्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बिम्स्टेक के बारे में पूछ रहे हैं। श्रीलंका ने किया हुआ था फिफ्थ बिम्स्टेक समिट, फिफ्थ बिम्स्टेक समिट हैपेंड इन श्रीलंका। ऑड वन आउट रिगार्डिंग बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये सभी मेंबर्स हैं, श्रीलंका भी मेंबर है बच्चों। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली डी, नन ऑफ द वो, तीनों ही करेक्ट है। इट एक्ट्स एज ब्रिज बिटवीन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, म्यांमार और थाईलैंड भी है यहां पर। इंट्रा रीजनल कोऑपरेशन बिटवीन सार्क एंड एसियान, यस सार्क और एसियान के बीच कोऑपरेशन बढ़ाता है ये, और 22% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन को भी ये रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट बिम्स्टेक हेड समिट कब हुआ था, जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स गए हुए थे? क्विक बच्चों, सेशन को लाइक कर रहे हो, क्या कर रहे हो? द रिटर्न विच वी आस्क फ्रॉम इज लव एंड सपोर्ट। आपको भी बिम्स्टेक कंट्री में रहने का मौका मिलेगा। क्विक, ओके, फर्स्ट हेड ऑफ बिम्स्टेक समिट हुआ था 2004 में बच्चों, जुलाई 31st, ठीक है, जुलाई 31st 2004 में हुआ था। 1999 क्यों लिख रहे हो? कहां पर हुआ था?
कहां पर हुआ था? बैंकॉक में हुआ था, बैंकॉक डिक्लेरेशन, ठीक है, बैंकॉक थाईलैंड, मनमोहन सिंह जी है देखो यहाँ पे। हाँ, सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है बच्चों? इसका हेडक्वार्टर। तड़प रहे थे बच्चे जानने के लिए, ठीक है, तड़प रहे थे तुम लोग, कई बार पढ़ा हुआ है फिर भी तड़पते हो, क्यों? मछली हो गया बच्चों, पानी से निकाल दिया गया क्या तुम्हें? आहिस्ता से, जब लेक्चर है तो पूरा कंप्लीट होगा, टेंशन ही मत लो तुम, ठीक है। देखिए महज पाथफाइंडर पढ़ के, अच्छा अच्छी किताब है, ऐसा नहीं कि बुरी है, लेकिन आपको फिर से इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे थोड़ा बहुत एडवांस, ठीक है। आप रिवीजन के लिए रख लो उसे, काम चल जाएगा, लेकिन डोंट ट्राई टू स्किप द स्टैंडर्ड बुक्स, इंपॉर्टेंट है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली ढाका, बांग्लादेश में बच्चों, बिम्स्टेक, ठीक है। करंट सेक्रेटरी जनरल, देखो हेडक्वार्टर ने सेक्रेटरी जनरल भी, सेक्रेटरी जनरल कौन है बिम्स्टेक के? क्विक बताओ बच्चों, बहुत तेज हो रहे थे। देखो एनसीआर, एनसीआर एक बात मैं बता देता हूँ, रुको रुको, दरअसल मुझे कई बच्चे पूछते हैं सर एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है क्या? देखिए अगर आपने स्कूलिंग ही एनसीईआरटी की है, सेंट्रल सिलेबस का, तो फिर क्यों एनसीईआरटी पढ़ोगे? अगेन एनसीईआरटी से आना इज लाइक यू नो अगेन वही एलकेजी से स्टार्ट कर रहे हो। सेंट्रल सिलेबस अगर तुम्हारा था, एनसीईआरटी की किताबें तुमने ऑलरेडी स्कूलिंग में पढ़ी हुई है, तो तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आपको लगे कि यू नो सब्जेक्ट्स में आपकी पकड़ अच्छी है, खासकर सोशल साइंसेस के लिए ही एनसीईआरटी पढ़ते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं उसमें पकड़ अच्छी है, तो अवॉइड देम, ठीक है। बेसिक्स ही है वहां पर, फाउंडेशन ब्लॉक्स हैं आपके। हाँ सर मुझे कुछ भी पता नहीं है उसके बारे में, तो देन यू कैन स्टार्ट। तेंजिन लेखपाल इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर, ठीक है, गुड। ओ बफरिंग हो रहा है क्या? अभी भी हो रहा है क्या बच्चों बफरिंग? अभी नहीं हो रहा है शायद। हाँ नाउ इट इज फाइन, सो ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर सेक्टर ऑफ कॉपरेशन अमॉन्ग बिम्स्टेक? नहीं अभी बफर नहीं हो रहा है बच्चों, आज वीकेंड है ना, तो इंटरनेट वाला भी सोया हुआ होगा, अभी जाके जगाता हूं। यस एब्सोल्युटली राइट, एंटरटेनमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ दैट, ठीक है, एंटरटेनमेंट नहीं है बच्चों, ट्रेड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट है, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन, कनेक्टिविटी, ये ब्रॉड चीजें हैं बच्चों। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है बिम्स्टेक के ऊपर, एक बार जाकर देखो, ठीक है। एसियान का हेडक्वार्टर कहां पर है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसियान। कुआलालंपुर में है क्या एशियन का? ओके सो द करेक्ट आंसर इज जकार्ता, इट इज इन जकार्ता, सी इज द राइट आंसर। वो एंटरटेनमेंट का एमसीक्यू हो गया बच्चों, एंटरटेनमेंट का एमसीक्यू हो गया, ठीक है। अरे सॉरी आई इग्नोर्ड जेनिवा, मैंने देखा नहीं, ठीक है, जेनिवा जेनिवा लिखो बच्चों, कोई बात नहीं, लेकिन करेक्ट आंसर जकार्ता है। एशियन कब एस्टैब्लिश किया गया था? ओके सो द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स 1967, 8th अगस्त एशियन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, 1967।
किस डिक्लेरेशन के तहत एसियान को एस्टैब्लिश किया गया था? इंपॉर्टेंट है बच्चों, अभी जो ऊपर हमने देखा वो बिम्स्टेक था, बैंकॉक डिक्लेरेशन, एसियान का सेशन को लाइक करो बच्चों क्विक। द रिटर्न विच वी आस्क फ्रॉम यू इज योर लव एंड सपोर्ट। कई बच्चों ने भी अटेंडेंस नहीं लगाया। ओके सो द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली ये भी बैंकॉक ही है बच्चों। पता नहीं हमारे प्रेसिडेंट्स प्राइम मिनिस्टर्स इतना ऑब्सेस्ड क्यों हैं बैंकॉक से, हमें तो लेके नहीं जा रहे हैं, बस ये इकलौते जाके डिक्लेरेशन साइन करके आ रहे हैं बैंकॉक में। सो ए इज द राइट आंसर। एशियान का चार्टर, चार्टर उस कॉन्स्टिट्यूशन की तरह होता है बच्चों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो हर रीजनल ग्रुपिंग का, हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक चार्टर होता है। तो एशियान का चार्टर कब हुआ था? हाँ रिसेंटली हमने देखा ना थाईलैंड में गंजा वैलिड किया गया, नहीं मारिजुआना है, लेकिन वो ज्यादातर मेडिसिनल पर्पसेस के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये सभी डिक्लेरेशन साइन किए गए थे तब इलीगल था। ओके सो द करेक्ट है। क्या बहुत तेज चलती है बुद्धि तुम्हारी। 2008 16 दिसंबर को साइन किया गया था बच्चों। सो द करेक्ट आंसर इज डी। आपको लग रहा था 2005 में हुआ तो 2005 ऐसा ही होगा। ओके अब तक कितनी बार इंडिया ब्रिक्स समिट शेयर कर चुका हुआ है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अभी ईरान और अर्जेंटीना भी आना चाहते हैं बच्चों इसमें, ठीक है, ईरान और अर्जेंटीना। ब्रिक्स इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी रख सकते हैं, ब्रिक्स नहीं बदल जाएगा एक्रोनिम, तब तो पता नहीं कहां पर रखेंगे। आई स्क्वायर ए बना सकते हैं। हाँ इंडिया ईरान, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली तीन बार बच्चों, 2012, 2016 और 2021। गुड, एक बार दिल्ली, नहीं एक बार गोवा, दो बार दिल्ली में हुआ बच्चों। 2021 का दिल्ली में हुआ, 2016 का गोवा में हुआ और उससे पहले भी दिल्ली में हुआ। ये जो ब्रिक टर्म था उन्होंने किसने क्वाइन किया? पहले साउथ अफ्रीका को कंसिडर नहीं किया गया था, सिर्फ ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। ऑफ कोर्स बहुत भारी भरकम इकोनॉमीज भी हैं बच्चों ये। यस एब्सोल्युटली राइट, जिम ओ नील, ठीक है, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने दिया हुआ है। पहला ब्रिक्स का समिट कब हुआ था? Yes, ये रशिया में हुआ था बच्चों इन 2009, एकाटेरिनबर्ग, रशिया। करंट चेयर कौन है ब्रिक्स का? Yes, 2022 में चाइना है बच्चों, ठीक है, चाइना इज द हेड। अब इसमें भी क्या पूछना, लिखो क्विक। अच्छा मोमोज चाइना वालों के हैं क्या? मुझे लगता था दिल्ली वालों के हैं। मोमोज इंडिया के नहीं है क्या बच्चों? ओके गुड, सो द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली जेनीवा। आंसर दूसरा भी होता तब भी यही लिखते बच्चों, एग्जाम में भी आ जाए यही करो, बी इज द राइट आंसर। पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे WHO के? खामोशी से यूए लिखो, ठीक है, बस गूगल मत करो, कुछ ज्यादा अपना सर को मत खिकरो, यूए लिखो खामोश। यस गुड, बी क्यों लिख रहे हो पता है क्या तुम्हें?
ये तो मुझे भी बता रही था जब तक मैं ये क्वेश्चन बना रहा था, सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं। ठीक है, तो पहले डायरेक्टर जनरल जो थे WHO के, वो ब्रॉक चिशलॉम, या आप कैसे कहेंगे, चिशोम, ओके, मिस्टर ब्रॉक हैं, मिस्टर ब्रॉक हैं, ठीक है, कैनेडियन है वो, तब तो ब्रिटिश था कैनेडिया में, कनाडा में, तो ही वॉज द वन। ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर, मिस्टर ब्रॉक। सो दैट वॉज द लास्ट इंपॉर्टेंट रिव्यू क्वेश्चन, सो क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, करंट डायरेक्टर जनरल जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हैं, डॉक्टर टेड्रोस, या हमारे तुलसी भाई, वो किस कंट्री के हैं बच्चों? नाइजीरिया, इथियोपिया, केन्या या रोंडा? रोंडा में किगाली है, किगाली अमेंडमेंट हमने साइन किया हुआ था, तो मंडे के सेशन में आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो तुलसी भाई के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ो, तुलसी भाई ने क्या क्या किया हुआ था, और WHO इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के चीफ तुलसी भाई कैसे बने। ठीक है, तो बिफोर यू लीव दिस ऑल द कोर्सेस, एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है और टेस्ट सीरीज की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ठीक है, एंड लेक्चर का PDF सबसे पहला ऐप में ही मिल जाएगा, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेबसाइट विजिट करो SSBcrackexams.com, वहां पर भी मिल जाएगा। एंड वॉरियर 10 इज अ कोड विच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, अंटिल देन स्टे हेल्थी स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, जय हिंद।